चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किट पॉइंट चैनल पर आप सबों का स्वागत है। प्रत्येक रविवार के भांति इस रविवार को भी आपको 10 प्रमुख अनुच्छेद के रिवीजन के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग का ये अनुच्छेद से संबंधित चौथा वीडियो रहेगा। हम लोग इसी तरीके से 10-10 वीडियो, 10-10 अनुच्छेद करते हुए प्रत्येक रविवार को रिवीजन करें, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। और खास करके अभी जो एमटीएस, सीएचएसएल या बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, और एमटीएस का जो आ गया है वर्तमान में 17 फरवरी तक जिसका लास्ट डेट है फॉर्म का, उसी के मद्देनजर को देखते हुए हम लोग ये श्रृंखला चालू किए हैं। और आप अपनी परीक्षाओं में सिलेक्शन लें, अंतिम निश्चित विजय को एकदम निश्चित करें कि आपकी जीत एकदम सुनिश्चित हो, उसी के लिए आप लोग रिवीजन शानदार तरीके से करें। तो चलिए आज हम लोग पहला सवाल लिए हैं रिवीजन के तौर पर अनुच्छेद में कि भारत का उपराष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति पूछेगा कितना, तो अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होता है। एक चीज आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रपति आप लोग को बताए होंगे, पता होगा, याद होगा, राष्ट्रपति पिछला ही क्लास में बताए थे 52, ठीक है। उपराष्ट्रपति 63 और प्रधानमंत्री 74 याद रखेंगे। देखिए कितना आसान है, 5 में 1 जोड़े 6, 6 में 1 जोड़े 7, 2 में 1 जोड़े 3, 3 में 1 जोड़े 4। मतलब अगर राष्ट्रपति आप याद रखते हैं तो उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपको अपने आप समय याद हो जाएगा। एक एक मतलब 11 के अंतराल पर है। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति हुआ किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 63 में। फिर से याद रखेंगे, भारत का एक उपराष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में चर्चा, तो अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 64 में। उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पूछेगा कि उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति भी होंगे और भारत के उपराष्ट्रपति भी कहलाएंगे। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 64 में है। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति अपने समय से पहले त्याग पत्र दे देते हैं, या हो सकता है कि उनका अचानक मृत्यु हो जाए या उनकी पद रिक्त हो जाती है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य के रूप में कार्य करते हैं, यह अनुच्छेद 65 में है, ठीक है। जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा और उस समय राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ रहेगा, नया चुनाव होने में भी समय है, तो तब तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में क्या करेंगे, काम करेंगे। कब कब याद रखेंगे, जब राष्ट्रपति अपने पद से 5 वर्ष के समय से पहले त्याग पत्र दे दे या उनकी पोस्ट अचानक मृत्यु होने से खाली हो जाए, उस कंडीशन में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। इसका चर्चा अनुच्छेद कितना में है, 65 में, अनुच्छेद 65 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 69 में, अनुच्छेद 69 में, 69 में। फिर से उपराष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञा 69 में, और उपराष्ट्रपति का पूछेगा शपथ ग्रहण कौन करवाएंगे, तो राष्ट्रपति करवाएंगे 69 के द्वारा। अब ध्यान दीजिए फिर से एक बार, भारत को उपराष्ट्रपति पूछेगा अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति ग्रुप में कार्य करना अनुच्छेद 65, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञा अनुच्छेद 69। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट, एसी मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट बोलिए, सर्वोच्च न्यायालय बोलिए, उच्चतम न्यायालय बोलिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा अनुच्छेद 71 में। एकदम इंपॉर्टेंट है, बीबीआई एकदम याद रखिएगा आप लोग इसको। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। किस अनुच्छेद के द्वारा करेगा, तो अनुच्छेद 71 के द्वारा किया जाएगा, अनुच्छेद 71 के द्वारा। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, इसमें भी आप भी लगा लीजिए, एकदम एग्जाम के लिए रामबाण है सब प्रश्न। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में, किस में, अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 74 देखेंगे। और यहीं पर कहा गया कि उस मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, याद रखेंगे, अनुच्छेद 74 में बात कहा गया, मंत्री परिषद का गठन भी अनुच्छेद 74 में। अब मंत्री परिषद का गठन किसके लिए किया जाएगा, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए, और इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्र प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा,
होगा प्रधानमंत्री। किसकी सहायता के लिए चुने जाते हैं? तो राष्ट्रपति की सहायता सलाह देने के लिए। तो राष्ट्रपति की सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74 में। या क्वेश्चन कर देंगे कि मंत्रिपरिषद का चर्चा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 74 में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका चर्चा कौन अनुच्छेद में? तो 75 का तीन में। क्वेश्चन दो को कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, कौन अनुच्छेद में? तो 75 का तीन में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति, कौन अनुच्छेद? तो 75 का तीन में, याद रखेंगे। भारत का एक महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76 में। और भारत सरकार का प्रथम वित्तीय अधिकारी कौन होगा? महान्यायवादी, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 74 में। एक बार फिर से देख लीजिए, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा अनुच्छेद 71 के द्वारा। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा अनुच्छेद 74 में है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा का प्रति उत्तरदायी होगा अनुच्छेद 75 का तीन में है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग 10 अनुच्छेद, प्रमुख अनुच्छेद जो के देखें, और यह सिलसिला हम लोग को अभी कुछ रविवार तक और चलेगा, जब तक कि 150-200 तक हम लोग पार न कर जाते हैं। तो फिर हम लोग अगले रविवार को 10 के डोज में 10 प्रमुख अनुच्छेद के साथ मिलेंगे, और बाकी दिन तो जो आपका 10 का डोज चला वो तो चलता ही रहेगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि आप सभी बच्चे सिलेक्शन लेकर अपने माँ बाप का गर्व से सर ऊंचा नहीं कर देते हैं। तो बच्चे फक्र करिए कि आपको अपनी माता पिता के मेहनत के बदौलत जहां तक आप पहुंचे हैं, उनको भी एक दिन खुशी का मौका दें जिस दिन आपकी भर्ती सरकारी नौकरी में हो जाए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।